बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बलिया राजकीय इंटर कॉलेज के दुर्व्यवस्था के खिलाफ स्कूल के छात्र हुए लामबंद। छात्रों ने हाथ में तख्ती ली हुए नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए हमारी मांगे पूरी करो की तख्ती को लेकर के विद्यालय में जमकर नारेबाजी की। स्कूल के छात्र स्कूल के मेन गेट पर ही धरने पर बैठ करके जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को मांग रहे हैं। बच्चों का आरोप है कि विद्यालय में पानी की व्यवस्था नहीं है और बाहर पीने के लिए भी जाने नहीं देते हैं, साथ ही टॉयलेट और बाथरूम में भी पानी नहीं छोड़ा जाता है। ये तस्वीरें हम आपको बलिया राजकीय इंटर कॉलेज की दिखा रहे हैं, जहाँ पर दुर्व्यवस्था के खिलाफ स्कूल के छात्र ही हाथों में तख्ती लेकर के नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। ये आरोप प्लांट की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर टोटी से पानी नहीं आ रहा है, साथ ही विद्यालय में लगे हैंडपाइप भी सही नहीं है। स्कूल के छात्र हाथों में तख्ती लिए हुए नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को मांग रहे हैं। इस मामले को स्वतः जानकारी जैसे हुई जिला विद्यालय निरीक्षक रमेश सिंह ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात करते हुए क्या कहे, आइए सुनाते हैं। दिनांक तक न तो बच्चों ने और न तो किसी गार्जियंस ने न तो हमारे किसी अध्यापक ने या हम लोगों को अवगत कराया कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसा कुछ अवगत कराया गया होता तो निश्चित रूप से वहाँ पे जो है व्यवस्था दी गई होती, और इसके बावजूद भी वहाँ पे लगभग 49 से 50 लाख रुपए जो है वहाँ दिया गया है। तो सर्वप्रथम मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रिंसिपल को यह करना चाहिए था कि वहाँ पे पानी की व्यवस्था, शौचालय को सही करना, ये सब चीज़ें तो करनी चाहिए। दूसरी चीज जो जिलाधिकारी कह रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय आईटीआई में किसमें लगा दिए हैं, तो इनको अपनी शैक्षणिक व्यवस्था को देखते हुए उसके बाद की व्यवस्था देनी चाहिए थी कि हाँ आप इसके बाद आप जाएंगे वहाँ आईटीआई में भी पढ़ाएंगे। ये तो सिर्फ एक टालने की बात हो गई। इस बिंदु पर इनका स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। अगर गलती पाई जाएगी तो इनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि